आप अगर देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। अररिया में बदमाशों ने एक पत्रकार को घर के बाहर मारी गोली। भागलपुर में दो बुजुर्गों की पीट पीट कर हत्या करने के बाद शव को घसीटा गया। समस्तीपुर में दरोगा की गोली मारकर हत्या। ये हैं पिछले तीन दिन की घटनाएं। लगभग सूबे के हर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और सुशासन बाबू कह रहे हैं कहां हो रहा है अपराध। वो कह रहे हैं सूबे में आपराधिक घटनाएं कम हैं। अगर इसे अपराध कम होना कहते हैं तो अपराध होना किसे कहते हैं, ये शायद नीतीश बाबू ही बता सकते हैं। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। इसी नारे के साथ नीतीश कुमार सत्ता में आए, उन्हें सुशासन बाबू तक कहा जाने लगा। लेकिन सुशासन की सरकार में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो कुछ और ही लगता है। बिहार के अररिया जिले में बदमाशों ने एक अखबार के पत्रकार विमल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ बदमाशों ने उन्हें घर के बाहर बुलाकर गोली मारी, जो ये बताता है कि अपराधियों में किस तरह शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर मृतक पत्रकार की पत्नी ने बताया कि बदमाशों ने पत्रकार को एक आपराधिक घटना में हत्यारों के खिलाफ गवाही देने से मना किया था, जिसके बावजूद उन्होंने गवाही दी। इस बात से नाराज अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। अब जब सीएम नीतीश से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। चलिए शुक्र है नीतीश बाबू ने माना तो सही कि कोई अपराध हुआ है। दुखी बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर या यूं कहें कि जंगल राज की वापसी को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार पर निशाना साधती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अररिया जिले में जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई, थानेदार की हत्या शुरू हो गई, और वो तो गवाह भी थे, उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं है। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, गौ तस्कर जागृत हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार जी के लिए बाहर से एक चश्मा बनाना पड़ेगा। के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं, मान तक उन्होंने रखना छोड़ दिया है कि भैया क्या मांग रखेंगे। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पत्रकारों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है और 24 घंटे के अंदर पत्रकार संघ ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है।